भाई स्वागत है हमारे YouTube चैनल यार इंदौरी व्लॉग्स पे। दिन के 1:15 होती है हमारी। सुबह बाहर का वेदर अगर हम चेक करें तो संडे का वेदर है क्लाउडी, हल्की फुल्की बारिश जो है गिर के बंद हो चुकी है। तो प्राइमरी टास्क उठते से ही हमको मिल जाता है, पापा का टिफिन जो है पैक रखा है तो देने के लिए हम निकल जाते हैं। तो भाई नहाए हुए मम्मी पानी भर रही है और हम टिफिन दे के आ गए। भाई नहा धो के चकपक रेडी होके घर से निकल गए हम और अब जा रहे हैं हमारी वाइफ के वहाँ वेटर करने के लिए। हमारी वाइफ को जो है जाना है मार्केट, तो उसको मार्केट ले जाएंगे हम अभी। उसके लिए जा रहे हैं उसको पिकअप करने के लिए। राना गणेश मंदिर के वहाँ पहुँच चुके हैं हम और आजकल ट्रैफिक बहुत होता है संडे के दिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर संडे के दिन बहुत संख्या में लोगों आने लग गए। और गाइस फाइनली हम खजराना गणेश मंदिर पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं खजराना गणेश मंदिर के पीछे से निकलते हुए फाइनली हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो गाइस इधर मीटर हो गया है, वैसे मोबाइल लेके जा रहे हैं क्योंकि मीटर हो गया है, तो मार्केट जाने का प्लान जो है निरस्त हो गया। तो गाइस हमारी वाइफ से जो है हमारा मीटर हो गया था, इस चक्कर में हम फिर इधर आ गए हैं मंदिर पर और यहीं बैठेंगे हम आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा। यहाँ पर एक भाई आराम कर रहा था, बस सिक्योरिटी वाले भैया ने आकर बेचारे को डिस्टर्ब कर दिया, उठा दिया। मंदिर प्रांगण में व्यक्ति को व्यक्ति सो भी नहीं सकता है यार, सो बैठ क्या मतलब क्या मतलब तवड़ा कैंपस। भगवान ने धरती बनाई है सबके लिए, सभी को हर कोई सोने का खाने का पीने का, लेकिन मंदिर प्रांगण में बेचारा भाई आराम कर रहा था, उसे सिक्योरिटी गार्ड ने उठा दिया है और उसे आगे से ऑर्डर दिया गया था सिक्योरिटी। तो भाई की नींद खराब हो गई है, भाई बेचारा किस टेंशन में होगा किस स्ट्रेस में होगा, नींद तब से पूरी नहीं होगी और सो रहा था यहाँ पर। तो यही दुनिया हो गई है, भगवान की दुनिया में इंसानों ने राज कर लिया पूरी तरीके से। जो फ़ोन है हमारी वाइफ का गाड़ी के डिक्की में ही रखा हुआ है, विवाद हो गया था तो हमारी वाइफ जो है घर चली गई पैदल पैदल, और अभी उसका फ़ोन आया था, मम्मी के फ़ोन से उन्होंने लगाया था, उसको फ़ोन चाहिए था, अब हम निकल जाते उसको फ़ोन देने के लिए। समाप्त होने के बाद हम घर आ गए और हमारा वेटू को देख के सारे मेटर ख़त्म हो जाते हैं। वेटू के वक्त हमको चाय मिल जाती है हमारी 5:30 बजे, और हमारा बेटू जो है दादी के साथ खेल रहा है कपड़े गीले कर लिए सुसु करके, तो दादी उसके कपड़े बदल, और हमारी वाइफ जो है घोड़े बेच के सो रही है मेटर करने के बाद। तो गाइस होटल राजहंस से जो है दाल बाफले ऑर्डर कर दिए हमने, और इसके अंदर आने वाला है 2.5 बाफले, लड्डू, दाल, चटनी, कढ़ी, सलाद, आलू की सब्जी और पुलाव। और ये हमारा ऑर्डर जो है पिकअप हो गया है, 13 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं राहुल नायक जो है लेके आ रहा है, तो वेट करते हैं हमारे ऑर्डर का। तो भाई डिलीवरी वाला जो है खजराना पर पहुंच गया है और टर्न ले लिया है उनने हमारी गोलवार के गेट नंबर 2 वाली गली में आ रहा है। चोरी पड़ी है, देखते भैया गाड़ी ला पाएंगे कि नहीं। तो भाई राजहंस के बाफले आ गए, पापा आ गए वो पता ही चला। ये ले ना। तो भाई बहुत भारी है, अबे एक ही लिया दोनों लेना। तो राजहंस के दाल बाफले आ गए, उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई राजहंस के बाफले की जो है अनबॉक्सिंग हो रही है, ये देख लीजिए इसके अंदर मिलता खाने को ये सब। तो गाइस राजहंस का जब डब्बा खुलता है तो उसके अंदर ये सब निकलता है, कड़ी है, दोना वगैरह भी है, लड्डू है। अनबॉक्सिंग कर देते हैं, ये देख लीजिए। ये कितने का है? 500 की तो है। ऐसे भाई दाल की अनबॉक्सिंग कर रही है हमारी वाइफ। दाल भी बहुत गाढ़ी आती है और मस्त आती है, बिल्कुल बाफले से खाने लायक दाल आती है, ये देख सकते हैं आप। दो पैकेट में हम 4 जने खा लेंगे गाइस, इतने दाल बाफले आते हैं।
तो भाई आलू की सब्जी थी एक में, उसमें एक में चावल है। ओ तो भाई चावल भी आए हैं, देख सकते हैं आप, अच्छी क्वांटिटी में बाफले कड़ी सब कुछ आई है। तो आप भी राजहंस से मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ पर मेरी वाइफ जो है दाल चावल ले आई है, अभी खाना बाद में खाएंगे। तो दाल चावल लेके आ गई है, दाल चावल खा रही है। नहीं निकल रहा चावल वावल खा के, अभी थोड़ा सा मेरी वाइफ का पाँव दुख रहा है तो उसको दिखाना डॉक्टर को, तो डॉक्टर के पास निकल जाते हैं हम। हमारी बच्ची के लिए कपड़े खरीदने के लिए आ गए यहाँ पर, अभी पानीपुरी भी मचका दी हमने, सेल्फी के लिए फुल बाहों की टी शर्ट। उन्हें ठंड आ भी नहीं रही अभी तो, बारिश वारिश चल रही है अभी तो। आओ ले 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 ले। भाई क्या करने निकले थे और क्या कर लिया हमने, अभी सेल्फी के लिए खरीदारी कर ली। हम डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला नाखून काट लेना पाँव के, सही हो जाएगा। सेल्फी तो सॉरी, नया वाला टी शर्ट हम खरीद कर आए हैं, फिर बेटे को पहना के चेक कर रहे हैं। ऐसे इतना नया टी शर्ट ये पहन के मजे मजे। तो ये वाले कपड़े आए हैं अभी खजराना से, और बेटू ने पहन के चेक कर लिया। इतरा रहा है बड़ा नए कपड़े। बाय, टाटा कर लो पापा। सेल्फी बाय, जा रहे हैं हम तो गुम्मी करने जा रहे हैं, तुम दादी के साथ खेलो ठीक है, जाए नहीं। कॉस्मेटिक की दुकान पे गए थे हम हार लेने, लेकिन हमारी वाइफ को हार पसंद नहीं आया। जो हार राजवाड़ा पे 150 के दो मिलते हैं, वैसे 250 रुपये का एक मिलता था वहाँ। अभी अगर नहीं दूसरी दुकान पे देखते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी की दुकान देखी हमारे वाइफ का, द फैशन क्वीन करके, अब यहाँ पर ये यह पूछने गई है हार की। बेटो मम्मा यहाँ पर हार पूछने गई। भाई हमारी वाइफ को उधर पूरी दुकान उधेड़ दी और कुछ लिया नहीं वहाँ से भी, और वो राजवाड़ा पे 150 के दो मिलते हैं, इसलिए अब हम कोई दुकान नहीं, अब सीधे घर का रास्ता पकड़ेंगे। जलेबी दिख गई थी गर्मा गर्म, तो जलेबी लिया हम। ऐसे भाई तू जलेबी खा रहे, ऐसे मजे ले रहे जलेबी के। सेल्फी मम्मी भी ऐसे जलेबी मचका रही है मस्त तरीके से, सेल्फी हमारी गोद में, और घर पहुंच गए हम। भाई यहाँ पर हमारा खाना चल रहा है दाल बाफले का, जो हमने मंगाया था कड़ी वड़ी लड्डू वड्डू अचार आलू की सब्जी, मस्त तरीके से निपटा रहे हैं हम। राजकमल हंस की दाल बाफले देख सकते हैं आप। तो लोग हम यहीं समाप्त करते हैं हमारे बेटू के साथ मस्ती करते हुए, और मिलते एक नए व्लॉग में। थैंक यू। चोर सही को देखा।